मैं कक्षा 12th में जब मैं छात्र था तब हमें बायोलॉजी पढ़ाने वाले सर मोहनलाल जी जाट, जिनकी मुझे बहुत याद आती है। याद आने का मेरा उनका मुख्य कारण यह है कि जो भी वो कक्षा कक्ष के अंदर पढ़ाते थे वापस घर जाके उनको पुनः पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, वो स्थाई मेमोरी में फिट हो जाता था। पढ़ाने का उनका जो तरीका था उस तरीकों को मैं भी मेरे शिक्षण के दौरान मैं उसको यूज़ भी करता हूँ। बच्चों को परिवेश से जोड़ने के लिए आप क्या गतिविधि करवाते हैं? जी, पाठ्यपुस्तक शिक्षण के दौरान कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पाठ्यपुस्तक में वो सम्मिलित नहीं होते। टॉपिक जरूर होता है लेकिन वो विषय वस्तु होती नहीं। उन चीज़ों के लिए एग्जांपल आपके दें, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो ये दालों वाले जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी जो प्लांट्स के जड़ों में गांठें होती हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें ये खेतों में मिल जाती हैं, उनको ला करके बच्चों को प्लांट से कुछ जड़ों को बताते हैं, उनको वास्तविक स्थिति से जब रूबरू होते हैं बच्चों को बहुत बड़ा आनंद आता है, उनको वास्तविक ज्ञान मिलता है कि क्या इसी में ऐसा होता है, तो वस्तु स्थिति से अवगत हो जाते हैं। कुछ केले होते हैं जो बनी बनाई मार्केट से भी ले आते हैं लेकिन इससे 70% जो सामग्री होती है मैं कच्ची सामग्री क्रय करते हैं, थर्मोकॉल, वो वेलवेट पेपर, और बच्चों की सहायता से और मेरी मदद से उसको बनाते हैं। बच्चों को भी लगता है, उनके अंदर भी सृजनात्मकता का विकास होता है। कुछ बनी बनाई और कुछ हाथ से बनी हुई सामग्री का टीएलएम का उपयोग करते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान मैं कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग करता हूँ। बेसिक रूप से मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ और विज्ञान शिक्षण के दौरान कंप्यूटर से जो पढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, और मेरे पास में मल्टीमीडिया आधारित ई कनेक्टेड प्रशिक्षण के तहत डिपार्टमेंट से जो सीडिया हमें विद्यालय को प्राप्त हुई थी वो सीडिया उस विषय वस्तु से संबंधित परिपूर्ण समझता हूँ। लेकिन यदि और भी कुछ चीज़ें मल्टीमीडिया संबंधित प्राप्त हो जाए, शिक्षण के दौरान शैक्षणिक जगत से जुड़ी हुई कोई सीरीज है, कोई भी चीज़ें मिल जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। बच्चों के जो अभिभावक हैं या पालक हैं उनसे जुड़ने के लिए या समुदाय से जुड़ने के लिए आप क्या तरीके अपनाते हैं? जी जी, प्रथम दृष्टया ये है कि अपना कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यालय में बच्चों के प्रति ऐसा आत्मिक संबंध हो जाता है, ऐसी अपनी विशिष्ट शैली और अपने विशिष्ट व्यवहार से बच्चे खुद प्रभावित हो जाते हैं और वो अपनी प्रसन्नता अपने माता पिता को जरूर करते हैं। ऐसे करने से माता पिता के मस्तिष्क में अपने प्रति पहले कुछ पॉजिटिव अवधारणा बन जाती है, और जब शिक्षक अभिभावक मीटिंग होती है उस दरमियान उन बच्चों के बारे में उन पेरेंट्स से व्यक्तिगत कमियाँ और अच्छाइयाँ को बता करके उनका मन जीत सकते हैं, और वो समझते हैं कि मार साहब हमारे साथ हमारे बच्चों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं, इससे आत्मीय रिश्ते उनसे बन जाते हैं।